श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 6। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजः। सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तात्पर्य, भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 2500 प्रजापतियों से उत्पन्न हैं। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्तर्षि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह, पितामह का पिता। इसका उल्लेख भगवद्गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। हरे कृष्ण।